नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने बंजरिया प्रखंड के चैलहा पंचायत स्थित धनौती नदी पर निर्मित रिवर फ्रंट का किया निरीक्षण। मनरेगा द्वारा सौंदर्यीकरण एवं वृक्षारोपण कार्य का लिया जायजा। मझौलिया में 3 दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण हुआ संपन्न। वैज्ञानिक एसके गंगवार रहे मौजूद। शिकारपुर पुलिस ने की छापेमारी, शराब जब्त, कारोबारी फरार। सैकड़ों लीटर रॉ मटेरियल किया गया अवनिष्ट। मझौलिया में लूट की योजना बना रहे 2 युवक गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। जिला युवा संसद 2021-22 कार्यक्रम में पश्चिमी चंपारण की छात्रा अपेक्षा कुमारी ने हासिल किया प्रथम स्थान। नरकटियागंज की टीपी वर्मा महाविद्यालय की है छात्रा। मझौलिया में बिहार अग्निशमन सेवा ने चलाया जागरूकता अभियान, मॉक ड्रिल कर लोगों को किया जागरूक। पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र में भी पुलिस सप्ताह का हुआ आयोजन। तीसरे दिन थाना परिसर में पेंटिंग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। नरकटियागंज में अग्निशमन विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को किया जा रहा है जागरूक। ढाका में 1 सप्ताह पूर्व हुए वरुण सिंह हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। शिवहर में 32 बोरी राशन का चावल हुआ जब्त। पिपराही पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। और सुगौली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किया स्टेडियम का निरीक्षण। 2 मार्च से आयोजित सांसद खेल स्पर्धा की तैयारी का लिया जायजा। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक भ्रमण कार्यक्रम के दौरान बंजरिया प्रखंड के चैलहा पंचायत स्थित धनौती नदी पर निर्मित रिवर फ्रंट का मनरेगा द्वारा सौंदर्यीकरण कार्य एवं वृक्षारोपण कार्य का जायजा लेने पहुंचे। गौरतलब है कि मनरेगा द्वारा नदी के किनारे लगभग 5000 वृक्ष लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जहां लगभग 400 पौधे लगाए जा चुके हैं। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि धनौती नदी एवं खड़वा नाला में निरंतर जल प्रवाह बनाए रखने के लिए नदी में अवरुद्ध मिट्टी की साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि मोती झील में जल प्रवाह निरंतर बनी रहे, इसके लिए नदी के अवरुद्ध मुहाने को हर हाल में साफ किया जाए। उन्होंने निर्देशक DRDA को निर्देश देते हुए कहा कि मोती झील में जल प्रवाह को अवरुद्ध करने वाले स्थलों को चिन्हित करते हुए रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें, ताकि मोती झील में जल पुनर्भरण कार्य जारी रहे। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, निदेशक DRDA, स्थानीय जनप्रतिनिधि आदि उपस्थित थे। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत लाल सरैया वार्ड नंबर 7 चक्कर जिरात में युगांतर संस्था के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से सीनियर वैज्ञानिक एसके गंगवार द्वारा दीप प्रज्वलित कर एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन प्रोग्राम मैनेजर पंकज किशोर तथा कार्यक्रम समन्वयक विजय कुमार उपाध्याय द्वारा किया गया। मौके पर वैज्ञानिक डॉक्टर कुमारी सुनीता द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण के अंतिम दिन मुख्य रूप से स्वस्थ रहने के लिए भोजन और पोषण के बारे में जानकारी दी। साथ ही व्यवहारिक रूप से मशरूम की पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए उसके गुण को विस्तार से बताया गया। बीज वितरण के साथ उत्पादन के बारे में जानकारी दी गई। बकरी पालन, पोषण वाटिका, मुर्गी पालन तथा मछली पालन का प्रशिक्षण देने का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम के उपरांत सभी प्रतिभागियों को कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। संस्था के डायरेक्टर संजय पांडे ने ऑनलाइन सभी प्रतिभागियों और अतिथियों से बात की और संस्था के बारे में विस्तार से बताया। कृषि विज्ञान केंद्र में अप्रोच किया गया मशरूम के प्रशिक्षण के संबंध में। सर्वप्रथम हमने 2 गांवों मझरिया और लाल सरैया का निरीक्षण किया, सर्वेक्षण किया, लोगों से बातचीत की, उनकी रुचि जानी। उसके बाद हमने प्लान किया 3 दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण के संबंध में, और 3 दिन करीब 50 महिलाओं ने यहाँ पर, किशोरी बालिकाओं की उपस्थिति भी काफ़ी अच्छी रही, और उन लोगों ने बड़े यत्न से पूरी चीज़ों को समझा और व्यवहारिक प्रशिक्षण इसका प्राप्त किया। और इसके बारे में हम लोगों ने उसका मूल्य संवर्धन भी, उसको कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करके अपनी पौष्टिक सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं और उसका पौष्टिक मूल्य का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर सकते हैं, इस संबंध में हम लोगों ने अभी व्यवहारिक प्रशिक्षण 3 दिनों में अच्छे से प्राप्त किया, जिसमें ओएस्टर मशरूम के संबंध में बात बताया गया है मूल रूप से, और इसकी खेती कैसे की जाती है, किन किन महीनों में की जाती है। साथ ही लोगों को स्पॉन उपलब्ध कराया गया, इन लोगों ने अपने घर से
जो फसल का अवशेष है वो लेकर आई और पॉलीथीन और स्पॉन के द्वारा सब लोगों के द्वारा उसका बनाया गया बैग और उसकी खेती प्रारंभ की गई है। और इसमें बीच बीच में कृषि विज्ञान केंद्र इन लोगों का जो प्रॉब्लम आएगा खेती में उसको सॉल्व करेगा और साथ ही इन लोगों का मतलब इसका कैसे सेल होगा ये सारी चीज़ों पे हम लोग इनके साथ मिल के काम करेंगे। युगांतर संस्था ने हमें अप्रोच किया, इनके ग्रुप बने हुए हैं और कृषि विज्ञान केंद्र ने तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर कुमारी सुनीता, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र। अगली खबर पश्चिमी चंपारण के नगटियागंज से है, जहां नगर के पुरानी बाजार धांगा टोली में शिकारपुर पुलिस ने शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई को लेकर शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई भट्टियों को ध्वस्त करने के साथ साथ सैकड़ों लीटर रॉ मटेरियल को विनिष्ट किया है। हालांकि इस कार्रवाई में कोई धंधेबाज पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया। थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि शराब धंधेबाज की सूचना मिली थी, जिसके आलोक में यह छापेमारी की गई। इस दौरान चुलाई शराब भी बरामद किया गया है, साथ ही सैकड़ों लीटर शराब बनाने के उपकरण का विनिष्टीकरण भी किया गया है। उन्होंने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुराने बाजार धांगा टोली में सूचना थी कि अवैध शराब का कुछ लोग कारोबार कर रहे हैं, उसी में छापेमारी की गई है। 3 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद हुई है और लगभग 400-500 लीटर पश्चिमी चंपारण जिले की मझौलिया पुलिस ने थाना क्षेत्र से लूट की योजना बना रहे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि दोनों अपराधी धोखड़ाहा बैरिया थाना हरसिद्धि पूर्वी चंपारण के निवासी हैं। इनके विरुद्ध विभिन्न जगहों पर लूटपाट किया गया है तथा मझौलिया के धोखड़ाहा चौक के समीप किसी घटना को अंजाम देने के बारे में योजना बनाते हुए एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न कांडों में 4 गिरफ्तारी हुई है, जिसमें प्रमुख रूप से मझौलिया थाना कांड संख्या 535/2021 दिनांक 28/10/2021 धारा 147-48/49 342-307-354 बी एवं 327-427-504-506 SC/ST Act 3/1 RS में दर्ज किया गया था, जिसमें शेख मुराद उर्फ शेख जिसान को गिरफ्तार किया गया है तथा इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है तथा मझौलिया थाना कांड संख्या 475/19 के फरारी अभियुक्त परमा साह को विगत 3 वर्षों के बाद गिरफ्तार किया गया है, इन्हें भी न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। इन्हें पारस पकड़ी वार्ड नंबर 3 से गिरफ्तार किया गया है। 2 अन्य गिरफ्तारी हुई हैं थाना क्षेत्र से, जिस संबंध में गिरफ्तारी हुई है, एक हुई है अमित कुमार कुशवाहा, पिता ओम प्रकाश सिंह घोघराहा बैरिया वार्ड नंबर 2 थाना हरसिद्धि, और दूसरा है सुखनंदन कुशवाहा उर्फ लड्डू, उम्र 19 वर्ष, मुनिलाल से पिता मुनिलाल सिंह, साकिब घोघराहा बैरिया वार्ड नंबर 2 थाना हरसिद्धि। ये सभी लुटेरे हैं, विभिन्न कांडों में विभिन्न जगहों पर इनके द्वारा कांड किया गया है, लूटपाट किया गया है, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन्हें रंगे हाथ ढोकड़ाहा चौक के पास से घटना के अंजाम देने के लिए योजना बनाते हुए पकड़ा गया है। इनके पास से एक पिस्टल, एक गोली तथा अन्य सामान भी बरामद किया गया है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज की खबर पर नजर डालेंगे। 19 जनवरी 2022 को आयोजित जिला युवा संसद 2021-22 कार्यक्रम में पश्चिमी चंपारण जिले की टीपी वर्मा महाविद्यालय की छात्रा अपेक्षा कुमारी ने प्रथम और MJK महाविद्यालय बेतिया के छात्र देवेंद्र कुमार यादव ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। जानकारी राष्ट्रीय सेवा योजना के पश्चिमी चंपारण जिले के जिला नोडल पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार ने दी। टीपी वर्मा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत राय ने टीपी वर्मा कॉलेज की छात्रा अपेक्षा कुमारी को जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए बधाई के साथ ही आगे के चरणों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। मेरा नाम अपेक्षा कुमारी है, मैं टीपी वर्मा कॉलेज BA प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। 19 फरवरी को आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद में मैंने भाग लिया था, जिसमें मैं जिले में प्रथम आई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने राज्य स्तर की भी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और मैं अपने कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत राय सर और हमारे NSS पदाधिकारी डॉक्टर दीपक सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्हीं लोगों की वजह से मुझे इतना अच्छा मौका मिला जहाँ मैं अपनी बातों को रख सकी हूँ,
थैंक यू वेरी मच। बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में जागरूकता अभियान चलाया गया। एक दिवसीय मॉक ड्रिल के माध्यम से आग से बचाव और आग लगी की घटनाओं से बचने के उपाय के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। मुख्यालय के निर्देशानुसार डीजी महोदया सुबह उठकर के निर्देशानुसार जिला अग्निशमन पदाधिकारी अमन कुमार सिंह के नेतृत्व में अग्निशमन पदाधिकारी रमेश कुमार यादव जीविका दीदी के साथ कार्यशाला का आयोजन आज रखा गया था, जो अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत जो घटनाएं हो रही वो घटनाएं न हो इसके लिए हम लोग हर विधि से पब्लिक को अवेयरनेस कर रहे हैं, जागरूकता कर रहे हैं। आपको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अभी मझौलिया प्रखंड में भी हमने 3-4 जगह पर किए थे और आपको LED वैन द्वारा आज ही आपको 3 बजे से कार्यक्रम है, अमुक अमुक पंचायत में जाएगी। और आज जीविका दीदी के साथ कार्यशाला रखने का हम लोग का यही उद्देश्य था कि इन लोग के द्वारा घर गांव में जा करके इसको ये लोग जानकारी दे कि किसी तरह का बीड़ी सिगरेट चाहे जो भी पी करके लोग व्यक्ति बिक देते हैं रोड पर, झोपड़ीनुमा घर है किसी का घर जल जाता है और गर्मी के मौसम प्रवेश करते ही आपको खाना कब बजे से कब बजे तक बना लेना है, इसका भी संदेश हम लोग दिए और बहुत बढ़िया आयोजन से ये लोग सभी लोग सूझबूझ के अपना परिचय भी दिया और हमारा अग्निशमन कर्मी गैस सिलेंडर में आग लगा करके अग्निशमन यंत्र से जानकारी दे करके और आपको उपस्थित थे मझौलिया थाना के इंस्पेक्टर और चीनी मिल से मुख्य सुरक्षा अधिकारी और सेफ्टी मैनेजर अग्निशमन के जो वहाँ सेफ्टी इंचार्ज हैं सिविल इंजीनियर सभी लोग उपस्थित थे और इसका जानकारी हम लोग दिए। क्या नाम है सर? रमेश कुमार यादव। अगली खबर पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां पुलिस सप्ताह दिवस के अवसर पर शिकारपुर थाना परिसर में मद निषेध जागरूकता अभियान के तहत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कई स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। गौरतलब हो कि 21 फरवरी से 27 फरवरी तक बिहार में पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत प्रतिदिन कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान स्कूलों कॉलेजों में ट्रैफिक अवेयरनेस, रोड सेफ्टी, मद निषेध, बात विवाद, पेंटिंग, बच्चों के लिए बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे समाज के कुरीतियों पर जागरूकता के उद्देश्य से प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी उद्देश्य के साथ शिकारपुर पुलिस द्वारा मंगलवार को टीपी वर्मा कॉलेज में ट्रैफिक अवेयरनेस, रोड सेफ्टी आदि विषयों पर चर्चा किया गया। वहीं बुधवार को थाना परिसर में मद निषेध पर पेंटिंग प्रतियोगिता व वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मौके पर थाना अध्यक्ष अजय कुमार, दरोगा शकील अहमद, दरोगा जय कुमार, अतुल वर्मा, वर्मा प्रसाद आदि मौजूद रहे। जो पेंटिंग प्रतियोगिता मनाया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? आज जो पेंटिंग प्रतियोगिता मनाया जा रहा है उसमें ये पुलिस लोग के द्वारा मनाया जा रहा है, इससे पब्लिक और पुलिस बहुत अच्छा रिलेशन बनेगा। इसमें मैं भी भाग ले रही हूँ। पुलिस में और अन्य व्यक्तियों में दोस्ती का भाव उत्पन्न हो, पुलिस से लोग डरे नहीं, इसलिए यह कला प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है, जिसमें हम सभी ने अल्कोहल के बारे में यानी शराब बंद के बारे में कुछ चित्रकारी बनाई है। क्या नाम है आपका? हर्षिता रंजन। आज पुलिस सप्ताह दिवस के तहत पुलिस के द्वारा हम सभी नागरिकों को ये बताया जा रहा है कि वे लोग हमारे दुश्मन नहीं, वे लोग हमारे मित्र हैं। इस दिवस के तहत पुलिस यहाँ पे बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। इस दिवस के तहत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें शराबबंदी और आदि विषयों पर चित्रकला बनाई जा रही है। इसी दिवस के तहत हम सभी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोग यहाँ पे चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में अग्निशमन विभाग द्वारा आगलगी की घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से लगातार नुक्कड़ नाटक, मॉक ड्रिल, जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को आग से बचाव एवं आग लगने पर कैसे उससे बचा जाए, इस विषय पर जागरूक किया जा रहा है। इसी संदर्भ में नरकटियागंज के सिसवा बहुअड़वा स्कूल में जीविका दीदियों समेत ग्रामीणों की उपस्थिति में अग्नि सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान आग
आग लगी की घटनाओं में कमी लाने के साथ साथ आग लगने पर कैसे उसे नियंत्रण में करें, इस विषय पर सभी को जागरूक किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अग्निशमन पदाधिकारी ब्रिज किशोर चौधरी ने कहा कि बदलते मौसम को लेकर विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि गर्मी के मौसम में आग लगी की घटनाओं में कमी लाई जा सके। फायर नियमों को सभी को पालन करना जरूरी है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, हर प्रतिष्ठान में अग्निशमन यंत्र को लगाएं। साथ ही अपने प्रतिष्ठान अथवा कारखाने में एक मेंबर को रखें, जो कहीं भी किसी तरह की घटना घटित हो तो तुरंत नजदीकी थाने या अग्निशमन विभाग को सूचित करें। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका रजिस्ट्री ऑफिस के नजदीक बीते 15 फरवरी को हुए वरुण सिंह हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। इस मामले में सिकरहना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन कर जाँच करने का आदेश पुलिस कप्तान के द्वारा दिया गया था। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन एवं कॉल डिटेल्स को वैज्ञानिक तरीके से जांच किया गया। वहीं इस मामले में एक अभियुक्त कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के हरदिया निवासी मुन्ना कुमार को एक पिस्टल तथा 4 जिंदा कारतूस के साथ घटना में इस्तेमाल किए गए बाइक को जब्त किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश कुमार ने कांड का उद्भेदन करते हुए बताया कि एक अपराधी गिरफ्तार किया गया है, बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। शिवहर से एक ट्रैक्टर पर लदे 32 बोरी राशन के चावल को जब्त किया गया है। खबर के मुताबिक पिपराही पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गढ़िया के रास्ते से ले जा रहे ट्रैक्टर पर राशन का चावल जब्त किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिपराही के अंबा सेकटोली का मामला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने यह कार्रवाई रात के अंधेरे में की है, जबकि गाड़ी चालक मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। 2 मार्च से आयोजित सांसद खेल स्पर्धा की तैयारी का जायजा नगर पंचायत के धनही स्थित महारानी जानकी कुंवर स्टेडियम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने आज किया। स्टेडियम के विधि व्यवस्था के लिए संबंधित लोगों को निर्देशित कर शीघ्रता से अंतिम रूप देने का उन्होंने आग्रह किया और कहा कि प्रखंड के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार ठीक से किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान खिलाड़ी इस खेल स्पर्धा में अपनी जौहर दिखा सके। खेल स्पर्धा में 200 मीटर की दौड़, 1500 मीटर, जेवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट, लंबी कूद, कबड्डी, रस्साकसी व 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ कराया जाएगा, जिसमें 14-16 व अंडर 19 आयु वर्ग के खेल प्रतिस्पर्धा की तैयारी की जा रही है। मौके पर भाजपा जिला महामंत्री सह सांसद खेल स्पर्धा प्रभारी प्रदीप सर्राफ, डॉक्टर अमिताभ चौधरी, कृषि पदाधिकारी सिद्धनाथ राय, मोहम्मद रुस्तम आलम सहित कई लोग मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।